बढ़ते आगे आपको बता दें कि सीएम धामी ने पौड़ी स्थित रावत गांव के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने के बाद आज सुबह चंदौला राय गांव का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और गांव के विकास से संबंधित लोगों की राय भी ली। वहीं गांव में मौजूद पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री से साझा किए। तो सुबह सुबह भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो हैं उत्तराखंड के पौड़ी से आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे और ग्रामीणों से बातचीत की, सुबह हालचाल जाना। और अक्सर यही देखा जाता है कि इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री लोगों का हालचाल जानने के लिए सुबह सुबह निकल चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश जोशी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। कैलाश जोशी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री से पहले भी सुबह सुबह निकल पड़ते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पर? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है जहाँ पर रावत गांव में जो होम स्टे में रात को मुख्यमंत्री रुके थे, उस मैं रुकने के बाद आज मॉर्निंग में जब मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री वहाँ पर तमाम जो गांव के लोग हैं उनसे उनकी उनके द्वारा मुलाकात की गई मॉर्निंग वॉक के दौरान, और साथ में पहाड़ों में हमने उनसे भी उनने अनुरोध साझा किए हैं और मैं जो गांव वाले हैं उनसे मुलाकात की है, विकास से संबंधित है, अपने अनुभव उनके द्वारा साझा किए हैं। और अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि गांव मा है, ग्राम सभाओं में विकास से ही देश का विकास संभव होगा, पुरातन संस्कृति की धरोहर है, इसके जीवित रखना है, पौधारोपण दिवाली जी। कैलाश जोशी, अक्सर देखा जाता है कि जनता दरबार लगाया जाता है कई राज्य दूसरे राज्यों की अगर बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक अच्छी पहल कह सकते हैं जो की गई है, एक अनोखा तरीका निकाला है लोगों से बातचीत करने का। कोई पहला मामला नहीं है, यहाँ पर पूर्व में भी जो सरकारें रही है उनके द्वारा जनता दरबार यहाँ पर लगाए गए, पुष्कर धामी भी आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो जब भी कहीं किसी दौरे पर प्रदेश का मुखिया रहता है तो उनसे कोशिश की जाती है कि जनता के बीच संवाद किया जाए, ताकि सरकार के जो भी सरकार के बारे में जो भी राय लोगों की हो उसको एकत्रित किया जाए, ताकि कहीं पर अगर कोई विवाद या किसी की जो राय आती है उसको मुख्यमंत्री जो है उस पर अमल कर सके। कहीं भी अमूमन देखा गया उत्तराखंड में जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं आज तक, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी हैं, जब प्रवास पर रहते हैं तो ये देखा, अमूमन ये देखा गया है कि जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं या फिर प्रभु जनों से मिलना है, जो पूर्व सैनिक संगठन है उनसे मिलना है, और जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं जो उत्तराखंड के विकास में जो है रेडी हड्डी साबित होते हैं, इन लोगों को मिलने मुख्यमंत्री धामी के द्वारा बदस्ती जारी करता ही है। यही चीज कल पौड़ी में भी देखने को मिली, रात को सर्किट हाउस का जो गेस्ट हाउस भी, जब ग्रामीण निवेश के होम स्टे में जो सरकार की योजना है होम स्टे उसमें जब रुकने के लिए गए तो आज देखा गया मॉर्निंग में सुबह जब प्रातःकाल जब है गांव में घूमने के लिए निकले तो लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, लोगों के हालचाल जाने हैं, योग भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, वृक्षारोपण भी किया गया। बिल्कुल कैलाश जोशी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह के मामले जो हैं पहले भी सामने आ चुके हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी जानकारी दी कि अक्सर मुख्यमंत्री ऐसे ही सुबह निकल पड़ते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है मुख्यमंत्री की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि